यूरिया और ये दूसरे भी जो आपके डीएपी वगैरह सल्फर वगैरह ये जरूरी है अच्छी पैदावार के लिए। और ये केंद्र सरकार से अलॉट होता है, राजस्थान सरकार का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि वो यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट सब जगह से पूछ करके और उनको देते रहते हैं और उनको रिमाइंडर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भेजो। अब वहाँ से हर साल ये प्रॉब्लम होती है, अब 2-4 साल से, हमारे टाइम से नहीं होती है। आपको मालूम है जब मैं मंत्री था केंद्र में, जब जब भी होती तो रैक भेज देता था सीधी की सीधी सवाई माधोपुर के लिए और टोंक के लिए। हमारे समय मेरे को कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ किसानों को इस तरह आना पड़ा, लेकिन अब पूरे राजस्थान में ये हालत है। तो ये स्थानीय जो एमपी है उनसे अनुरोध करूंगा कि जाइएगा और फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो भारत सरकार है उनसे जाकर के मिल के स्पेशल कोटा रिलीज कराइए टोंक के और सवाई माधोपुर के लिए, कि भारत सरकार की कंपनियां थी 8, उनको ही सरकार बंद करने की सोच रही है। तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो तो अपनी अगर मोनोपोली हो जाएगी तो अपने हिसाब से बेचेगी। सब्सिडी हमारे टाइम से ही चल रही है, अब भी सब्सिडी चल रही है इसके ऊपर, और किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, वर्ल्ड भर में दे रही है, अमेरिका में भी दे रहे हैं तरह तरह की, क्योंकि खेती अपने आप में एक घाटे का सौदा साबित हो रहा है। मैं खुद भी किसान हूँ, तो सरकार को जितने इंसेंटिव देने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी, जब भी हम लोगों को, अब जैसे अभी ये बीमा हो रहे हैं प्रधानमंत्री जो कृषि बीमा करते हैं, हमारी फसल बीमा, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं इस और ध्यान नहीं है कि न केंद्र सरकार का किसानों के लिए उनकी फसल का बीमा का पूरा पैसा मिले और खाद समय पे मिले ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नहीं देखो, MLA तो उठा रहे हैं, किसान हैं, लेकिन सवाल क्या है कि राजस्थान सरकार भी आवाज़ उठा रही है, मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर तो देगी तो केंद्र सरकार ने, अपनी रिक्वायरमेंट ही तो भेज सकते हैं। ओ, केंद्र सरकार में ही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या बात है? या तो इन लोगों ने सब्सिडी, क्योंकि इसमें देनी पड़ती है 50%, तो इम्पोर्ट ही कम किया हो, प्लानिंग ही नहीं करी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फर्टिलाइजर की कमी आ रही हो और जिसको हम भुगत। अशोक जी गहलोत ने वहाँ 3 मुद्दे उठा दिए थे, बल्कि रेलिवेंट थे। रेलवे का बहुत पुराना, हमारे टाइम में हो गया था, सोनिया जी ने उसका शिलान्यास किया था, वो नहीं हुआ। हमारी ईस्टर्न कैनाल का काम नहीं हुआ, और जो वहाँ आदिवासियों की जो यूनिवर्सिटी खोली गई है गुरु गोविंद के नाम से, उसको एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनो, उस धाम को राष्ट्रीय स्मारक, ये सारे मुद्दे तो उठाए ही हैं उन्होंने। देखिए, आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि बीजेपी आपके सामने है ये माना जा रहा है, तो बीजेपी में लगता है कि वसुंधरा जी अगर वापस ताल ठोकती हैं तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, या बीजेपी आप देखो साहब, कोई भी आए, हमें उनके किसी का नहीं है, कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस दोबारा जीतेगी, मेरा ये विश्वास। स्थिति अच्छी नहीं है चारों तरफ, पूरे राजस्थान में, न केवल टोंक की और माधोपुर की बात है, इवन पूरे राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, गंगानगर वगैरह, हनुमानगढ़, जहाँ ज़्यादा पैदावार होती है और इसका ज़्यादा यूज होता है, वो सब जगह ही परेशान है। देखिए, खड़गे साहब अब AICC के अध्यक्ष बन चुके हैं और प्रदेश के अंदर जो पॉलिटिक्स जो कबड्डी चली वो आपको पता है, नोटिस जारी हुए, ये था कि अब कार्रवाई होगी, कभी होता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर? देखो साहब, ये पार्टी के इंटरनल मामले हैं, खड़गे साहब बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, और मेरी समझ में उनके वो आगे हैं, तो सब स्थिति वो अपने आप कंट्रोल में कर लेंगे और सब सुधार हो जाएगा। क्या लग रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का मौका मिलेगा? देखिएगा साहब, ये पार्टी के आंतरिक मामले हैं, लेकिन सबका ध्येय ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और सब लोगों का, हर एक छोटे से लेके बड़े तक का, कि इतने काम किए हैं अब की हमारी अशोक गहलोत की सरकार ने, कि उनका अच्छा प्रचार और प्रसार होगा तो हमारी दोबारा सरकार रिपीट हो जाएगी।
जिस तरह के लड़ाई के हालात बने हुए आपस के अंदर, तो लगता है रिपीट कैसे होगा सब? नहीं नहीं नहीं, कोई ये तो इंटरनल इतनी बड़ी पार्टी है, छोटे मोटे चलते रहते हैं। ये आप गहलोत साहब से पूछो, पायलट साहब से पूछो, मैं तो एक ऐसा देखिएगा, मेरे हिसाब से तो मेरी समझ में कोई किसी का किसी चीजों को लेके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। सब कांग्रेस जन है, सब हम डिसिप्लिन्ड एक तरह के पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं, छोटे से लेके बड़े नेता तक। और बयानों में जो अनुशासन जो वो दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले दिखाई सब हो रहा है, सब देखिएगा। ये सब चीजें आप ये पायलट साहब से ही पूछिएगा। पायलट साहब तो स्थानीय MLA, लेकिन सभी अच्छे नेता हैं। हम लोग सब मिलकर के, अशोक जी गहलोत, पायलट साहब, हम छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता मिलकर के और दोबारा प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी, मेरे को पूरा विश्वास। कोई किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, चुनाव आने दीजिए, सब मिलजुल करके लड़ेंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार लाएंगे। ये सवाल क्या है कि हर एक नेता एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं, कोई इस तरह का ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस का है तो हम उनकी बुराई करें, वो हमारी बुराई करें। एक दूसरे की बढ़ाई तो करनी चाहिए, उसमें तो क्या बात है। हमको भी उनको बिला वजह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई खामी है तो उसके लिए आम मुद्दा उठा। अशोक जी गहलोत ने वहाँ 3 मुद्दे उठा दिए थे, बल्कि रेलिवेंट थे। रेलवे का बहुत पुराना, हमारे टाइम में हो गया था, सोनिया जी ने उसका शिलान्यास किया था, वो नहीं हुआ। हमारी ईस्टर्न कैनाल का काम नहीं हुआ, और जो वह आदिवासियों की जो यूनिवर्सिटी खोली गई है गुरु गोविंद के नाम से, तो उसको एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनो, उस धाम को राष्ट्रीय स्मारक, ये सारे मुद्दे तो उठाए ही उन्होंने। देखिए, आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी आपके सामने है ये माना जा रहा है, तो बीजेपी में लगता है कि वसुंधरा जी अगर वापस ताल ठोकती हैं तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, या बीजेपी? देखो साहब, कोई भी आए, हमें उनके किसी का नहीं है, कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस दोबारा जीतेगी, मेरा ये